ये है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जहां एक महिला पुलिसकर्मी बाकायदा एक शख्स को तमाचा लगाते नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आरटीओ के दो अन्य पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तमाचे मारने का सीन तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस पूरे वीडियो में जमकर बहस हुई है। दोनों ही पुलिस वाले लगातार तमाशा कर रहे हैं, वो युवक को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मामला लगातार बिगड़ते ही जा रहा है। ये देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी शख्स को धकेलते भी दिखाई दे रही है। हालांकि शख्स बतौर चालान की रकम भी पुलिसकर्मी को दे देता है। दूसरी ओर पुलिस जमीन से पैसे भी उठाती दिख रही है। अब आप एक बार फिर से इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। आपको बता दें कि ग्वालियर में एक बाइक सवार ने महिला सब इंस्पेक्टर के मुंह पर 500 रुपए का नोट मार दिया, जिस पर लेडी सूबेदार सोनम भड़क गई और आव देखा ना ताव, महिला सब इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ शख्स को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि सब इंस्पेक्टर ने एक दूसरे बाइक सवार की भी पिटाई कर दी। दोनों ही युवक चालान काटने की वजह से नाराज थे, इसके बाद ये मामला सामने आया। दरअसल महिला सब इंस्पेक्टर सोनम द्वारा तानसेन होटल के पास चालान काटने को लेकर दो मोटरसाइकिल वालों से विवाद हो गया। ये मामला एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ। सब इंस्पेक्टर सोनम ने हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार को रोका तो वहां बहस शुरू हो गई। वाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि बाइक सवार ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और महिला पुलिस के मुंह पर मार दिया। बस फिर तो क्या था, वर्दी पहने मैडम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने धनाधन बाइक सवार को पीटना शुरू कर दिया। एक ही नहीं बल्कि महिला सब इंस्पेक्टर ने दो दो बाइक वालों को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि वीडियो में महिला पुलिस वाली हेलमेट लगाए व्यक्ति को भी पीटती नजर आई। इस मामले में महिला अधिकारी सोनम का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जब चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के वक्त युवक हेलमेट नहीं लगाए हुए था, जिससे उसका चालान काटा गया। इस पर शख्स ने 500 का नोट उनके मुंह पर मारा और बोला, ये लो रुपए, जिस पर पुलिस वाली मैडम भड़क गई और शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि एसपी अमित सांगी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।